Good morning, children. Here in series of chemical kinetics, you have seen 9 videos. In 10th number video, I am going to teach temperature dependence on reaction rate of reaction. Temperature का क्या effect होता है? तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है. इट हैज बीन सीन दैट बाय 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स ऑलमोस्ट 2 टाइम्स और मोर देन दैट. टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट जो बोले ये 2 टाइम्स हो जाता है या उससे भी ज्यादा होता है. तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो तरह से समझ सकते हैं. एक है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक इक्वेशन. तो दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. पहला है टेम्परेचर कोफिशिएंट. टेम्परेचर कोफिशिएंट हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं. ये रेट कॉन्स्टेंट एट टी प्लस 10 डिग्री बाई रेट कॉन्स्टेंट जनरली टेम्परेचर को हम 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन हम मेजर करते हैं. एंड इट हैज बीन सीन दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू एन जो है मोर देन 2 एंड लेस देन 3 के बीच में होता है. मतलब एन का वैल्यू 2 से लेकर के 3 के बीच में होता है. मोर देन 2 एंड लेस देन 3 ये टेम्परेचर कोफिशिएंट हमको बताता है कि हाउ मच टाइम रेट इंक्रीजेस बाय 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर. इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल आप देखें. ये न्यूमेरिकल है रेट और टेम्परेचर का वैल्यू क्या है. इट इज गिवन दैट एट 20 डिग्री टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ rate of reaction is x. It is given and temperature coefficient value of n is given 2. Then we have to ask that find out the rate of reaction at 60 degrees Celsius. At 20 temperature rate is x. At 30 it becomes 2x. At 40 it becomes 3x. At 50 it becomes 4x. 20, 30, 40, 50, at 60 degrees Celsius it becomes 8x. Every time you are looking that rate constant, rate of reaction increases. Now let us see the accurate value, ये क्या था? ये temperature depends on rate of reaction, approximate value, not accurate. Accurate value हम सीखते हैं by Arrhenius equation. Let us see Arrhenius equation.
और यूनियस
reaction, progress of reaction के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमको ये इस टाइप का ग्राफ मिलता है। ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और ये जो है इसको बोलते हैं ईटी, थ्रेशोल्ड एनर्जी या एक्टिवेटेड एनर्जी या ट्रांजिशन स्टेट जो भी कहें। तो ये हो गया ईआर, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये हो गया ईटी का वैल्यू। ये जो है दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू ई टी माइनस ई आर। ई टी हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी और ई आर हो गया एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब इसके बाद हम आर एन एस इक्वेशन को डिराइव करेंगे एलएन के फॉर्म में और लॉग के फॉर्म में। दिस इज एक्विवेलेंट मेथड फॉर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, टेकिंग एलएन बोथ साइड, एलएन के इक्वल टू एलएन के माइनस E A by R T। अब इसको एक ग्राफ प्लॉट करना है, Y इक्वल टू एम एक्स प्लस E हो गया Y, E हो गया C, E हो गया M, E हो गया X। तो X को आप 1/3 कर दीजिए, इसको हम 1/3 कर दें। अब ये जो ग्राफ का नीचे ये हो गया एल एन के, ये हो गया 1/3 एंड दिस इज ग्राफ, ये कहलाया थीटा और एल एन ए इंटरसेप्ट, ये कहलाया इंटरसेप्ट एल एन ए, एल एन ए और माइनस ई ए बाई आर इसको कहते हैं स्लोप माइनस ई ए बाई आर। अब आगे अगर यहां पर हम लॉग लाने का कोशिश करें इसको बताएं अगर यहां पर लॉग लाने की कोशिश करें, ये हो गया लॉग के इसको टू, इसको 2.3 कर दो, 2.303 लॉग के इक्वल टू 2.303 लॉग के माइनस सबको हम डिवाइड करते हैं तब जो होगा लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर इंटू 1/3। अब एक बार हम फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे लॉग के और 1/3 के बीच, लॉग के 1/3 ये हो गया ग्राफ का नेचर, ये हो गया थीटा और
इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट लॉग ए और आप जानते हैं इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन स्लोप माइनस ई ए बाई 2.303 ये हो गया स्लोप स्लोप जो हुआ उसको कम क्लियर करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से एम एक्स और प्लस सी से उसके बाद समझते हैं कि ये स्लोप हुआ ये इसका m हुआ m को बोलते हैं tan थीटा और थीटा हमारा ये एंगल है ये एंगल ये हमारा थीटा है अब थोड़ा सा हम इसको और डिराइव कर रहे हैं अगर टेम्परेचर टी वन हो तो रेट कॉन्स्टेंट क्या होगा थोड़ा इसको और हम एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ आर इनिशियल सिचुएशन लिखने वाले हैं इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ आर इनिशियल सिचुएशन ये क्या है अगर मान लीजिए टेम्परेचर T1 पर अगर रेट कॉन्स्ट अगर टेम्परेचर T1 पर रेट कॉन्स्टेंट K1 हो और T2 पर रेट कॉन्स्टेंट K2 हो तो LnK2 इक्वल टू LnA माइनस EA बाई R इंटू 1 बाई T2 अब करेंगे हम T2 माइनस T1 LnK2 माइनस LnK1 इसमें इसको माइनस कर रहे हैं इसका साइन चेंज होगा ये अलजेब्रा का नियम है तो LnK2 माइनस K1 और ये आपका कैंसिल हो गया T हो गया EA बाई R 1 बाई T1 1 बाई T2 और इसको ऊपर पर मिटा रहे सब मिटा ये हो गया LnK2 बाई K1 इक्वल टू EA बाई 2.303 और T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2 फिर अगर हम ये R है अब अगर हम लॉग में कन्वर्ट करना चाहेंगे यहां पर लॉग कर दीजिए लॉग ये लॉग हो गया अब यहां पर ये 2.303 आएगा 2.303 बस ये हो गया एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ आरएमएस इक्वेशन ओके चिल्ड्रन इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट सर्टेन कैटलिस्ट ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज दैट विल बी माय लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर करेंगे ओके थैंक यू वेरी मच